राम प्रसाद जी जी मैडम जी, ये बताइए कितने आधार कार्ड बन रहे हैं? मैम यही है, कुछ 500 से ज्यादा ही हैं। ठीक है, बन जाएंगे, लेकिन ये बताइए कि 500 लोगों की खेप है कहाँ की? मैडम जी, कुछ बांग्लादेशी हैं तो कुछ रोहिंग्या भी हैं। एक आधार कार्ड के 5000 रुपए लगेंगे, लेकिन बन जाएंगे। असली या नकली? अरे वीना चौधरी का बिजनेस है ये। आज तक वीना चौधरी 1 लाख से भी ऊपर के आधार कार्ड बनवा चुकी है। मजाल है कोई पहचान जाए असली या नकली। मैम वो तो ठीक है, लेकिन पेमेंट का कैसे रहेगा मैम, वो भी बता दो। पेमेंट तो कैश में ही रहेगी, वो भी एडवांस में। अच्छा मैम, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? वो तुम देखो, अपना तो फिक्स है पर हेड 5000 रुपीस। तो मैम कोई आधार कार्ड बनेंगे कहाँ पर, कोई जगह तो होगी ना? तुम बीना चौधरी की जासूसी करने आए हो क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, वो क्या है ना, मैं नया नया हूँ ना इस धंधे में, तो इसलिए मुझे पता नहीं है ज्यादा। धंधा खतरनाक तो बहुत है, लेकिन माल बहुत मिलता है, बस थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। मैडम एक आदमी और है जो ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत में बसाता है, तो वो भी ऐसे ही है, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र सब कुछ बनवा देता है। आप जानते हो उस आदमी को? राम प्रसाद जी, ये वो देश है जहाँ ईमान बिकते हैं पैसों पे। हमारे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और अब हमें ही देख लो, हम कौन सा देशभक्ति निभा रहे हैं, हम भी तो गद्दारी ही कर रहे हैं। सही कहा मैडम, हमारे ऊपर भी कितने गद्दार बैठे हैं, जिन्हें अभी मौका मिल जाए ना वो अभी देश बेचते। बात तो सही कह रहे हो, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे देश में भरे जा रहे हैं ना खटाखट खटाखट, ये जानते हुए भी कि आने वाले टाइम में ये हमारे देश पे कितना बड़ा खतरा है, पर क्या करें, सबको तो पैसा चाहिए। आखिर तू हमारे जाल में फंसी गई। मैं तो देखते ही समझ गई थी कि ये तेरा भेजा हुआ चमचा है। फिर तो तू ये भी समझ गई होगी कि हमारे पास तेरे खिलाफ कितने सबूत है, जो तू ये फ्रॉडी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाती है तो। अरे तो क्या कर लेगी, लाखों लोग ये काम करा रहे हैं, बंगले से लेके झोपड़ी में रहने वाले तक, किस किस को पकड़वाएगी? बाकियों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि तू मेरे हत्थे चढ़ गई है। अब ये बता कि तेरे साथ कनेक्शन में कौन कौन लोग हैं, बोल। दीदी बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं लोग, और ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को ना भारत में अवैध तरीके से घुसा देते हैं, और फिर उनके जाली पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड बना देती है ये औरत। बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ये। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घरों पे भी कब्जा हो जाएगा, तुम्हारा आधार कार्ड नकली और उनका असली माना जाएगा, समझी तू? लेकिन ये मत भूल कि जिस देश में तेरे जैसे देशद्रोही रहते हैं ना, वहां पे देश प्रेमी भी रहते हैं जो तुम जैसे को पिछवाड़ों में ना मौत नाम का ढक्कन लगाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं वो। दीदी ये औरत बहुत शातिर लग रही है, इसको अभी के अभी ना पुलिस के हवाले कर देते हैं। बेटा ये जितनी शातिर होगी ना, शायद ये भूल गई है कि मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर का जन्म इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए हुआ है। किस जुर्म में गिरफ्तार करोगी, किया क्या है मैंने, और कैसे साबित करोगी तुम? ये जब आया था ना, और जो तुम लोगों के बीच में बातें हुई है, सब बातें इसने रिकॉर्ड कर ली अपने फोन में। 3 से 4 महीने लग जाएंगे मेरी आवाज को साबित करने में, तब तक तो मैं बेल से रिहा हो जाऊंगी। मुझे पता था कि तू ये दिमाग लगाएगी जरूर, इसीलिए मैं इसका इंतजाम करके आई हूँ। दिखाऊं ट्रेलर? सर आ जाइए अंदर। अब ये करेंगे तुम्हारी खातिर। चलिए मैडम, पुलिस को बहुत दिन से आपका इंतजार था, बहुत हो गया आपका। सबूत क्या है आपके पास? सबूत? सबूत यहाँ की सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग, बहुत सबूत है आपके खिलाफ, आपको जेल की हवा खिलाने के लिए। पता है मैडम, कभी कभी घर की चीजें भी ना इंसान को फंसा देती है। कैसी रही? सही कहा दीदी आपने। चल निकल। चलिए चलिए चलिए, प्रेम से चलिएगा या बहुत खातिरदारी करके ले चलूं मैं आप? नो चाहिए, मैं खुद चलूंगी। दीदी खादा ना वो शांति रही है। थैंक यू चिंगारी जी, आपने कानून की इतनी मदद की, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।